हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 12 मजदूरी और प्रेम, इसमें हमने पढ़ा था लेखक सरदार पूरण सिंह, अध्यापक पूरण सिंह का परिचय और किस प्रकार मजदूरी का मूल्य पैसों से नहीं आंका जाता था, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा था। और फिर उसके पश्चात पढ़ा था हमने उसके जो अलग अलग अंश दिए गए हैं, उसमें पहला अंश पढ़ा था मजदूरी और प्रेम। तो उसमें वर्णन किया था लेखक ने हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले का जीवन, कि वो स्वभाव से ही साधु स्वभाव के होते हैं, सज्जन स्वभाव के होते हैं, और किस प्रकार से एक किसान खेतों के अंदर मेहनत करता है, कोई उसके साथ छल या धोखा करता है तो उसके बावजूद भी वो उससे अनजान रहता है, अर्थात छल या धोखा करने वाले के साथ छल या धोखा नहीं करता। तो बहुत ही साधु स्वभाव का, बड़ा ही सज्जन स्वभाव का उसका जीवन है, किस प्रकार वो पढ़ा लिखा नहीं है और अपने ही खेत में साग पात खाकर अपने जीवन को यापन कर लेता है, अपनी भूख का निवारण करता है, और विद्या वो पढ़ा नहीं है, जब तक वो नहीं जानता संध्या वंदन आदि वो नहीं जानता, इसके बावजूद भी ईश्वर के प्रति उसकी आराधना, उसका ईश्वर के प्रति प्रेम इस अंश में हमने बखूबी उसका पढ़ा था। तो उसके पश्चात है गडरिये का जीवन। गडरिया सामान्य भाषा का शब्द है, गडरिया आम शब्द है जो आसानी से समझ में आ जाता है। जिस प्रकार भेड़ चराने वाला भेड़ बकरियां रेवाड़ आदि जो पशु पशुओं को चराता है घूम घूम के, तो उसको गडरिया कहते हैं। तो उसका जीवन कैसा है हमने भी देखा होगा, क्योंकि हम किसान वर्ग से संबंधित हैं, किसानों से परिचित हैं। तो कई बार किसानों के खेतों में भी वो गडरिया अपने रेवड़ को, बकरियां वगैरह आदि को, भेड़ों आदि को घुसा देता है, किसानों से एक दो गालियां भी देता है, उसके बावजूद भी वह चुपचाप उनकी गालियों को सहन करता हुआ आगे की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसी प्रकार जंगल में रह रहे गडरिये के जीवन का सरदार पूरण सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, बड़ा ही रोचक है ये अंश। तो पढ़ते हैं इसको। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा, रेवड़ चराने वाला, पशु आदि चराने वाला, उसको मैंने एक बार देखा। घना जंगल है, घने जंगल के अंदर देखा है। हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सुफेद, सुफेद का मतलब है सफेद, ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए
कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं, यानी कि जंगल में उसकी भेड़ें हैं और बड़ी ही सफ़ेद वर्ण की हैं, सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें हैं, वो बड़ी ही अच्छी लग रही हैं, बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। और उस जंगल के अंदर वो कोमल कोमल जो घास है उसकी पत्तियां आदि खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, गडरिया बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है, गगन की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है और साथ साथ में वो ऊन भी काट रहा है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है, उसकी आंखें लाल है और प्रेम रूप में लाल है वो, यानी कि प्रेम बड़ा छाया हुआ है, प्रेम से सराबोर है, उसकी प्रेम से भरी हुई आंखें हैं। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। वैसे मदिरा का मतलब होता है शराब, तो वो पवित्र मदिरा और कौन सी निरोगता, रोग रहित पवित्र शराब से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं और उसके बाल भी सारे कैसे हो गए हैं, सफ़ेद हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था गडरिया कैसा है भाई, बूढ़ा है। कैसा है, बूढ़ा है, तो बुढ़ापा हो गया है, बुढ़ापा आ गया है उस पर, तो उसके बाल भी कैसे हो गए हैं भाई, सफ़ेद हैं। और क्यों ना हों सफ़ेद, और सफ़ेद हों भी क्यों नहीं, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, कितनी बढ़िया बात कही है, सफ़ेद हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वह सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, उनका उन भेड़ों का वो क्या है, मालिक है। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है, उसके गालों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में, बर्फ़ वाले देशों में, बर्फ़ वाले क्षेत्रों में, बर्फ़ वाले देश में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लौटा है। क्षीर सागर का मतलब है दूध जैसे सागर में लेटा हुआ है। उसकी प्यारी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है, उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती है और घूमती है, यानी कि ये उसका परिवार है, वह है, उसकी पत्नी है और साथ में उसकी दो जवान बेटियां हैं। उसकी पत्नी उसके लिए रोटियां पका रही है और उसकी जो बेटियां हैं, दो जवान बेटियां हैं, वो उसके साथ साथ जंगल में क्या करती हैं, भेड़ें चराती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा, क्योंकि जंगल में रह रहे हैं, जंगल में निवास कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से पाला नहीं पड़ा। तो लेखक कह रहा है कि अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को देखा ही नहीं। मकान इनका बेमकान है, मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। क्या कह रहे हैं, मकान इनका बेमकान है, यानी कि कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, बस यहाँ से वहाँ चले और जहाँ रहे वहीं इनका ठिकाना बन जाता है, वहाँ भी कुछ दिन ठहरे और फिर आगे चल दिए, यानी कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे पशुओं के लिए चारा मिलता जाता है, घास आदि मिलती जाती है, वहाँ वैसे वैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, इनका कोई घर भी नहीं है, ये लोग बेनाम और बेपता है, इनका कोई नाम भी नहीं है और इनका कोई स्थायी ठिकाना या पता भी नहीं है। किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दार्य फानी में ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना, यानी कि यही बात कहने का प्रयास कर रहा है लेखक इसमें कि किसी के घर में घर नहीं करते हैं ये, अर्थात किसी जगह स्थायी नगर नहीं बैठते हैं, और इस संसार के अंदर में ठिकाना बेठिकाना, कोई ठिकाना भी नहीं है, सब बेठिकाने हैं, और मकान बरला मकान रखना, और मकान ही मकान है, यानी कि जहाँ रहते हैं वही अपना मकान समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से बड़ा ही अच्छे तरीके से वर्णन लेखक ने किया है। इस
दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, इस दिव्य परिवार को, इस विशेष परिवार को किसी कुटिया की, किसी घर की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं और दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा हैं, इनके मित्र हैं। तो क्या कह रहा है, इस दिव्य परिवार को किसी कुटिया की, किसी घर की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जाते हैं वहीं घास की झोंपड़ी बना लेते हैं, दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा हैं, इनके मित्र हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी, अब गडरिये की कन्या की बात कर रहा है, उसकी लड़की की बात कर रहा है, वो किसी पर्वत शिखर के ऊपर खड़ी है और सूर्य का अस्त होना देख रही है और सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा है, डूब रहा है, उस दृश्य को देख रही है। उनकी सुनहरी किरणें इसके लिए लावण्य में मुख पर पड़ रही है, वह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अब प्रेम रूपी अशार है, ये शायर है। हुए थे आँखों के कल इशारे, आँखों ही आँखों के इशारे हुए सूर्य के साथ उस लड़की के, इधर हमारे उधर तुम्हारे। इधर से हम इशारे कर रहे थे और उधर से सूर्य भी इशारे कर रहा था। चले थे अश्कों के क्या फवारे, और उसी दुख में, यानी कि प्रेम तो हुआ परंतु मिलन नहीं हुआ, चले थे अश्कों के फवारे, आंसुओं के फवारे, अर्थात आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली, इधर हमारे और उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, सूर्य भी उसके प्रेम में पागल हो गया है, उसकी युवावस्था पे, उस पे यौवन काल पे मुग्ध हो गया है। और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है, और वह उस आश्चर्य के, इस संसार के अनोखे अवतार सूर्य की महिमा के तूफान, सूर्य की महिमा है उसका यशगान कर रही है, उसी के तूफान में पड़ी हुई नाच रही है, नृत्य कर रही है, अर्थात बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रही है। आगे है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण, जिस प्रकार बर्फ बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है, पानी का अंश होता है, पानी का जमा हुआ हिस्सा होता है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है, और वनों की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण, इनका मुख, शरीर और अंतःकरण कैसा है, सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद, यानी कि इनका सब कुछ सफ़ेद है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पवित्र ही पवित्र हैं। इनका मुख है, शरीर है, अंतःकरण, अंतःकरण यानी कि जो मन है वो भी बड़ा सफ़ेद है, बड़ा पवित्र है। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें भी कैसी हैं, सफ़ेद हैं। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध ईश्वर के दर्शन करता है, और अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार किसके, शुद्ध ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुझको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो, अर्थात लेखक को उसी में, उनमें क्या दिखाई देता है,
ईश्वर दिखाई देता है तो कह रहा है, अगर मुझे खुदा को देखना है तो मैं तुमको देखता हूँ, और मैं जब तुमको देख लेता हूँ तो मुझे ईश्वर या खुदा दिखाई दे जाता है। आगे है, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई यानी कष्ट आए, दिन रात उसके पास बैठे, काट देते हैं, उससे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। अर्थात जब इनकी भेड़ों की सेवा ही इनकी क्या है, पूजा है, आराधना है, ईश्वर की भक्ति है, और जरा एक ही भेड़ बीमार क्या हुई, सारे परिवार पे विपत्ति या कष्ट आ गया, दिन रात उनके पास बैठे काट देते हैं, उससे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, पर हाँ इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित यानी कि मौन तरीके से रहकर, संकल्प रहित, बिना किसी इच्छा के रहित, बिना किसी दृढ़ता के रहित, मौन प्रार्थना में खुली है, बड़ी ही मूक प्रार्थना में, चुपचाप प्रार्थना में खुली हैं। दो रातें इसी तरह गुजर गई, इनकी भेड़ अब अच्छी है, और अब इनकी जो भेड़ बीमार हुई थी वो धीरे धीरे क्या होगी, दो रातों के पश्चात क्या हो गई, ठीक हो गई, इनके घर मंगल हो रहा है, अर्थात अच्छा हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पे बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, अर्थात इनकी खुशी के साथ आसमान भी शामिल हो गया, ईश्वर भी शामिल हो गया, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए, और मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से क्या हो गए, भी खुश हो गए। बूढ़ा गडरिया आनंद मत होकर नाचने लगा, वह कहता कुछ नहीं परंतु उसका अंग अंग, उसकी रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का एक का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया, साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। अर्थात वो भी अपने पिता के आनंद के साथ आनंदित हो रही हैं, अर्थात वो भी एक पहाड़ी गीत सा गाती हुई नाच रही हैं। मेरी आंखों के सामने ब्रह्म आनंद का समा बांध दिया, ब्रह्मानंद यानी कि सर्वश्रेष्ठ आनंद का समा सा बन गया, बहुत ही अच्छा वातावरण वहाँ स्थापित हो गया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, यानी कि वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है तो अपने भाई से भेड़ों की मांग कर दी, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा, इस प्रकार के चुपचाप जीवन से, चुपचाप ये जीवन यापन से मेरा भी कल्याण होगा, विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, जो मैंने आज तक शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण की है, अगर मैं उसको भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है, ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं, मेरी अंतरात्मा की आंखें खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं, ईश्वर को देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदों का गान हो रहा है, उस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं परंतु कदाचित प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल साक्षात उनको अपनी आंखों के सामने देख तो सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था, पंडितों की ऊटपटांग बातों से मेरा जी उबता गया है, अर्थात मेरा जी मचलने लगा है, अर्थात मैं उब गया हूँ पंडितों की इन बातों से। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं, होठों को देख रहे हैं, अर्थात ईश्वर के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और पशुओं के अज्ञान के गंभीर ज्ञान छिपा, पशुओं के अज्ञान में भी गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, ज्ञान रहस्य छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत
बड़ा ही अनोखा आत्मानुभव, अपने आप का अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, अर्थात जो उसकी प्रेम रूपी जो मजदूरी है उसका मूल्य कोई भी नहीं दे सकता। यानी कि लेखक उसके रहने सहने के तरीके को, उसके आंतरिक मन जो बड़ा ही सफ़ेद है, बड़ा ही पवित्र है, उस सब को देख के ये वो बड़ा प्रभावित हो रहा है। तो ये था गडरिये का जीवन। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कल मजदूरी, मजदूर की मजदूरी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।